हरे कृष्णा। तो आज हम चल पड़े हैं बरसाना और गोवर्धन की तरफ। चलो आज मैं आपको अपने साथ घुमाती हूँ। सबसे पहले तो हमने रुख ले लिया है बरसाना की गलियों में। अब हम चलेंगे बरसाना की तरफ और बरसाना में हमारी लाडली महारानी के दर्शन करेंगे। एज मॉर्निंग का टाइम था तो काफ़ी शॉप बंद थी, क्योंकि हम यहाँ पर 7:30 बजे के करीब पहुँच गए थे। दिल्ली से हम 4 बजे निकले थे ताकि हमें ज़्यादा भीड़ ना मिले, और ऐसा ही हुआ। अब हम वो 250 सीढ़ियाँ चढ़ने वाले हैं, देखते हैं क्या होता है, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। अब लाडली जी ने बुलाया है तो ये तो करना ही पड़ेगा। तो हम चल पड़े थे ये 250 सीढ़ियाँ कवर करने। तो सबसे पहले तो ऊपर चढ़ते हुए ये बड़ी छोटी छोटी सी मार्केट हमें दिखी, जो मतलब ये प्रसाद वगैरह सेल कर रहे थे, साथ में लस्सी वगैरह पीने का इंतज़ाम था। और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये अटारी कितनी ही सुंदर है, यहाँ तो देखने से ही सब कुछ बनता है। तो बच्चों ने भी थोड़ा बहुत सामान ले लिया। उत्तर प्रदेश के बरसाना में स्थित है श्री लाडली जी का मंदिर। क्या आपको पता है ये पूर्ण रूप से राधा रानी को समर्पित है, और लोगों द्वारा ये भी कहा जाता है कि यदि आपने राधा रानी को मना लिया तो आपसे भगवान श्री कृष्ण स्वयं मान जाते हैं। क्या आप जानते हैं इस नए मंदिर का निर्माण 400 साल पहले हुआ था, और यदि आपको यहाँ राधा रानी के दर्शन करने हैं तो आपको करीबन 250 सीढ़ी चढ़नी होगी। तो फाइनली हमें तो राधा रानी जी के बहुत ही अच्छे दर्शन हो गए, क्योंकि ये सुबह का समय था। तो अगर आपको भी दर्शन करने हैं तो सुबह का ही टाइम चूज कीजिए। दर्शन तो हमारे बहुत अच्छे हो गए थे, अब जाने का प्लान था। तो हमने सोचा चलो थोड़ा बहुत आगे पीछे जो अटारी है उस पे चक्कर लगा के देखते हैं, क्योंकि बरसाना हम पहली बार ही आ रहे थे तो हमारे लिए सब नया ही था। जब अब आप वापस सीढ़ियाँ उतरने लगेंगे तो बहुत सारे लोग मांगने के लिए बैठे होंगे, तो आप उनको दान वगैरह दे सकते हैं। और मेनली यहाँ पर जो बंदर है ना, वो वृंदावन वाले बंदरों से बहुत अलग है। वो आप पे छीना झपटी नहीं करते हैं, ना आपके स्पेक्स लेते हैं, तो आप बिना डर के जा सकते हैं इजली। और यहाँ पर भी आपको आगे पीछे बहुत सारे बंदर दिख जाएंगे, लेकिन उन्होंने हमारा तो मेरा तो बिल्कुल स्पेक्स नहीं लिया, बल्कि वृंदावन में ये सब मैंने फेस किया था। और अब हम अपनी कार में आराम से बैठ गए हैं और अब हम गोवर्धन की तरफ जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि अब धीरे धीरे गोवर्धन के पर्वत आ गए हैं, और साथ में हम रिक्शा ले चुके हैं, क्योंकि जो परिक्रमा हमने करनी थी वो बाय रिक्शा ही सोच रखा था। तो ये मेरी सिस्टर है जिनके साथ हम परिक्रमा कर रहे हैं, और उनको बोल रहे हैं कि चलो जपते रहो राधे राधे। साथ में हमारे बच्चे भी थे जो थोड़ा शर्मा रहे थे कैमरे से, बट बाद में उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं था वीडियो बनाने से। तो हमने तो ये ऑप्ट किया था बच्चों के साथ कि हम रिक्शे पे ही परिक्रमा करें। हालांकि मैं सेकंड टाइम जा रही थी, लेकिन मुझे सारे मंदिरों के नाम नहीं पता। तो अब हम बस जैसे रिक्शे वाला हमें घुमाया जा रहा था, राधे राधे नाम जपते हुए हम जाए जा रहे थे। बीच में ये बहुत सारी मतलब आपको दुकानें भी दिख जाएगी, आपको ठंडा लस्सी पानी जो पीना है आप पी सकते हैं। और मैंने बहुत सारे ऐसे लोग भी देखे जो इतनी गर्म रेत पे भी बेयरफुट चल रहे थे परिक्रमा करने के लिए। बस हम देखे जा रहे थे और बहुत अच्छा मतलब नज़ारा था। और आपको मतलब ये कहावत है, कहते हैं लोग कि जैसे जैसे कलयुग बढ़ता है, जो हमारा गोवर्धन पर्वत है वो नीचे की तरफ धंसता चला जाता है। तो अब हम मानसी गंगा की तरफ आ गए थे, और हमने एज आप देख सकते हैं कि बच्चों के साथ सिर्फ पैर हाथ ही धोए, हमने स्नान नहीं किया। हम घर से करके आए थे मॉर्निंग आवर्स में, और हमने जैसे ये रिचुअल होता है हमने सब पैर वैर हाथ मुँह धो लिया, और अब हम आगे की तरफ चल पड़े थे। अब इसकी पूरी वीडियो नहीं है, लेकिन ये वो गिरिराज, ये गोवर्धन पर्वत है जो श्री कृष्णा जी ने वहीं से मतलब स्थित उठाया था। यहाँ पर दूध की गंगा जो है आप देख सकते हैं, लोग दूध का चढ़ावा चढ़ा रहे थे और वो बह रहा है, तो वो फुल में वीडियो नहीं ले पाई थी। अब ये है राधा कुंड का नज़ारा। अब हम राधा कुंड में चले गए थे, और ये राधा श्याम कुंड बताते हैं जो हमें बता रहे थे। तो इसमें हमने वैसे ही पूजा की जैसे पंडित जी ने हमें बताया, जो भी थोड़ा बहुत सामान लगता था वो सब किया। कहते हैं राधा कुंड को श्री कृष्ण जी का मुकुट कहा जाता है, और ये भी कहा जाता है कि जिन लोगों के पास संतान नहीं होती, अगर वो इस कुंड में स्नान करते हैं तो उनको संतान का सुख अवश्य प्राप्त होता है। अब हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन थी दिल्ली से 128 किलोमीटर दूर और मथुरा से 60 किलोमीटर दूर
कोसीकला स्थान सूर्यपुत्र भगवान शनिदेव जी का अति प्राचीन मंदिर है। कोकिला वन धाम में कहते हैं जो यहां आकर शनि महाराज के दर्शन करता है उन्हें शनि की दशा साढ़े साती और ढैया कभी नहीं सताती। शनि महाराज भगवान श्री कृष्ण के भक्त माने जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि कृष्ण जी के दर्शन के लिए शनि महाराज ने कठोर तपस्या की थी। शनि देव जी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण ने इसी वन में कोयल के रूप में शनि महाराज को दर्शन दिए थे, इसलिए स्थान को आज भी कोकिला वन के नाम से जाना जाता है।